तो आज हम लोग बाजार में ले लिए, ये देखिए मटर ले लिए हैं और ये ले लिए हैं दोस्तों चिकन। देखिए दोस्तों अभी पोर्क ले लिए हम जा रहे हैं डालने के लिए, प्याज के साथ में दोनों ही भुज जाएगा साथ में। दोस्तों अब हमारा पूरा खाना बन गया, अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। और आज तो हमारा दो दो हो गया है, मटन भी और चिकन भी। मतलब कुत्ता बचा हुआ हम भी बहुत पालते थे छोटा में, लेकिन बचपना का अलग ही एक बात होता है, अभी तो कुछ और बात हो जाता है। सब देखिए एक एक केजी का पैकेट बना हुआ है, सब अलग अलग कंपनी का, बहुत एकदम टंगा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा, ये तलवार सब ओरिजिनल है? ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल तलवार है ना, ये तो छोटा तलवार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है संडे और संडे को हमारा कुछ ना कुछ विशेष रहता ही है। और ऐसे भी आप लोग पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग जो गोवा से जो है मेघालय का ट्रिप हमारा पूरा हो गया है, हमारा गाड़ी अभी भी खाली है, लोड हुआ नहीं है। और आज संडे है तो आज तो कुछ होना नहीं है, तो हम लोग धीरे धीरे सिलीगुड़ी तरफ जा रहे हैं, सिलीगुड़ी से ही अपना लोड होगा। तो दोस्तों सुबह सुबह हम लोग बॉर्डर पार कर गए, आसाम भी खत्म हो गया और बंगाल जो है बॉर्डर इन करके हम लोग बॉर्डर पार करके खड़े हैं अभी हम लोग। यहाँ बहुत अच्छा पार्किंग है, खुला जगह है यहाँ पे। तो आज हम लोग बाजार में ले लिए, ये देखिए मटन ले लिए हैं और ये ले लिए हैं थोड़ा चिकन। चिकन का ये है कलेजी और पोर्ट। तो ये बहुत दिन से हम लोग ढूंढते थे तो मिलता नहीं था, तो यहाँ पर क्या है बहुत बड़ा बाजार था तो बहुत सारा कटा था संडे के लेके, तो हमको अलग से दे दिया, वो बोला कि ले लीजिए। तो ये सागर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसके ले लिए। और देख सकते हैं प्याज वगैरह भी है और मेरा चावल चढ़ गया उधर, चावल भी बन रहा है, हम लोग कटिंग में लगे हुए हैं, तो अभी हमारा काम चालू हो गया। तो ठीक दोस्तों बनाते हैं आज। दोस्तों मेरा प्याज कट गया है, ये देखिए मेरा प्याज कट कर रेडी है। और ये अदरक, अदरक तो इंडिया डालते हैं हम लोग, ये लहसुन है और मिर्चा है, क्योंकि अदरक बहुत दिन से हम लोग यूज नहीं करा, हम लोग खाते भी नहीं ज़्यादा था। और ये देखिए अभी इसको भी धोना है, और इधर अभी मेरा मटन अभी धुलाई हो रहा है, मटन को अच्छी तरह से धो रहे हैं अभी। मेरा चावल जो है बन चुका, ये देखिए चावल मेरा बन गया है, अरवा चावल बना है। दोस्तों समय कोई खास हुआ नहीं है अभी, क्योंकि अभी 12 लगभग बज रहा है अभी, तो तब तक मेरा खाना भी लगता है कि 1 बजे तक अपना खाना ही बन जाएगा। दोस्तों देखिए अभी मटन एकदम अच्छे से धो के निकाल दिए हैं इधर भी, और इसको भी धो लिए हैं, और इसमें पूरा नींबू गाड़ दिए ऊपर से, ये भी हो गया। आप जा रहे पापा बनाने के लिए, तो प्याज को क्या बोले आधा आधा करके बनाइएगा? प्याज को एक ही बार बनाएंगे, जगह कभी कम है ना, जगह नहीं होगा उतना, तो प्याज को एक ही बार बना के फिर आधा दोनों भाग कर देंगे, अलग अलग करके बनाने के लिए अलग अलग कर देंगे। माचिस देना। दोस्तों मेरा लहसुन लाल हो चुका है, अब देखिए जा रहे हैं प्याज डालने के लिए। अभी प्याज तो काफ़ी है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। ये देखिए अभी जो है प्याज का पहले पानी सूखेगा, फिर तेल में आएगा, पूरा प्याज लाल होगा। और दोस्तों अभी क्या ना, अभी हम यहाँ खड़े थे तो ट्रांसपोर्ट में बात भी किए हैं, अब बात भी किए हैं तो हम कई बार देखे हैं, सिलीगुड़ी हो या गुवाहाटी हो, हमको ज़्यादातर इधर से लॉन्ग टूर माल नहीं मिलता है। कल सिलीगुड़ी से भी बात किए थे, गुवाहाटी से भी बात किए थे, तो ज़्यादातर कलकत्ता सिलीगुड़ी वहाँ से यही माल मिल रहा था। तो हमको मेरा मन है कि मैं बाहर जाने का, थोड़ा कहीं राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये सब एरिया में, उधर का माल यहाँ से मुश्किल है। जमशेदपुर से हो सकता है कि जमशेदपुर से हो जाए, कलकत्ता से हो जाए, ये सब हो जाता है। तो देखते हैं अभी ट्राई में लगे हुए हैं, यहाँ से बिहार का ही माल चल रहा है, तो हमको बिहार के लिए ही बोला गया, तो हम बोले भाई देखते हैं अभी। तो कल हो जाएगा मंडे, कल हमारा जो है अगर हिच्चा लाइक माल मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए दोस्तों अभी प्याज को पूरा अच्छी तरह से मिला दिए हैं, लहसुन भी मिल गया, मिर्चा भी मिल गया, अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी इसमें थोड़ा समय लगेगा, प्याज देख रहे ज़्यादा है, अभी कम हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं प्याज मेरा जो है करीब 50% हो चुका है, तो इसको अब हम कलेजी जो रख लिए थे पोर्ट कलेजी वो हम इसमें बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्याज, इसका लहसुन गोटा और प्याज जो है वो जो मटन के लिए निकाल दे रहे हैं, अब इसमें हम प्याज सिर्फ पोर्ट कलेजी को भूंजेंगे इसमें। ये देखिए इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लहसुन तो हम डाले थे खाने के लिए अपना गोटा, ये निकाल दे रहे हैं, इतना मेरा पोर्ट कलेजी के लिए काफ़ी है। देखिए दोस्तों अभी पोर्क कलेजी हम जा रहे हैं डालने के लिए, प्याज के साथ में दोनों ही भुजाएगा साथ में, ये देखिए हो रहा है मेरा। दोस्तों मेरा पोर्क कलेजी अच्छी तरह से भुन चुका है, देखिए पूरा प्याज हुआ सब भुन लिए हैं, अब जा रहे हैं सब मसाला डालने के लिए। हल्का मसाला रहेगा तो थोड़ा सा लतपत जैसा बनेगा। देखिए मेरा मसाला का डब्बा, ये हमारा मसाला का पिटारा है, मसाला भी दोस्तों लगभग ख़त्म ही होने चला है, लेना पड़ेगा मसाला भी। देखिए हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, धनिया, जीरा गोलकी, प्याज 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 नहीं बोलते इसको,
प्याज तो पहले ही डल चुका है। चलिए, हम भी काफ़ी दिन बनाते हैं तो हम भी भूल जाते हैं कौन मसाला कौन वाला है। डेली बनेगा तो याद रहेगा कौन मसाला है। सो मेरा अदरक ख़त्म हो रहा है, हल्दी ख़त्म हो रहा है। अभी हम लोग उधर समय नहीं मिला, चलिए इसको थोड़ा भूंजते हैं। इधर ये छुनली तो सेम, थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा लथपथ जैसा बनाएंगे। पहले हम लोग रायपुर चलते थे ना, तो रायपुर में सिलतारा में मिलता था ये सब, अलग से पोर्ट कलेजी जितना ले सकते हैं मिल जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा हो गया ना कि हर आदमी खाने लगा, तो कोई भी चिकन लेने जाता तो बोलता भाई हमको पोर्ट देना, कलेजी दे देना, तो दुकानदार देना नहीं चाहता, बोलता नहीं भाई अगर मीट लोगे तो उसके साथ में थोड़ा देना ही पड़ता। कोई भी ग्राहक मांगता भी है, कोई भी ग्राहक हो, वो बोलता है कि पोर्ट कलेजी अलग से दे देना। अब बहुत सा जगह कि पोर्ट कलेजी नहीं खाता है तो एक्स्ट्रा अलग से रख देता है वो लोग कि अलग से बेचने के लिए। चलिए अपना भी तो चलिए मिल गया, आज बहुत दिन बाद मिला तो बनाने का मन कर गया। जैसे तो हमारा मटन ही आज बनाना था लेकिन मिल गया तो हमको मन करिए चलो आज भी बना ही लेते हैं, ये सब जल्दी मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत टमाटर भी डाल देते हैं इसमें। अब इसको मसाले के साथ में अच्छी तरह से भुंजाएगा ये, इसको सूखा ही टाइप का उतारेंगे हम इसको। देख सकते हैं दोस्तों मेरा एक आइटम बन के रेडी है। ये देखिए मेरा पोर्ट कलेजी पूरा सूखा टाइप का देखिए बन गया। अब इसमें थोड़ा सा लास्ट आइटम जो है धनिया पत्ता, ये देखिए धनिया पत्ता काट के रखे थे, धनिया पत्ता थोड़े से डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसके लिए भी रखना पड़ेगा हमको। पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसको उतारते हैं। अब चढ़ाएंगे कुकर, कुकर में क्या ना इसी में बनाना पड़ेगा हमको, प्याज भी इसी में रखे हैं। दोस्तों अब इसमें भी जा रहे हैं मसाला डालने के लिए, जितना मेरा मसाला आप डाल देते हैं। दोस्तों जा रहे इसमें थोड़ा सा टमाटर डालने के लिए, थोड़े से डालते हैं ज़्यादा नहीं। अब बहुत से लोग तो टमाटर नहीं डालते हैं लेकिन हम तो डालते हैं, शुरू से बनाते हैं तो टमाटर हमको अच्छा लगता है डाल देते हैं। टमाटर तो ऐसे भी मतलब हर सब्जी में ही डलता है, और बहुत सा हमको मिलते हैं हमारे सस्का भाई तो हमको बोलते क्या है कि आप आलू क्यों नहीं डालते हैं। तो बहुत सा स्टेट में ऐसा है कि आलू भी डाल के बनाया जाता है, तो हम लोग आलू डाल के शुरू से बनाए नहीं। हाँ बचपन में खाए थे, वहाँ बनाती थी हाथ में कि आलू डाल के बनाते थे इसको, तो हम लोग बचपन में खाए। जब से हम गाड़ी लाइन में आए तब से हम आलू डाल के बनाए नहीं, तो एक बार वो भी ट्राई करेंगे, एक बार और आलू डाल के हम भी बनाएंगे। तो आलू डाल के बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों अभी इसको अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। ये टमाटर जो कि इसने हल्का ही डाले हैं, बहुत से लोग को तो देखे होंगे आप कि हम जितना भूंजते हैं उतना कोई भूंजता भी नहीं है, डायरेक्ट मतलब मसाला वसाला एक साथ मिला के डाल दिया, ढक्कन लगा के छोड़ दिया। लेकिन हमारा आदत है शुरू से कि हम थोड़ा भूंज भाज के ही खाते ज़्यादा, पूरा उसका मटन का पानी सुखाते हैं, उसको तेल का अंश जाता है उसके बाद होता है, तो हम वैसे ही बनाते हैं। ये देखिए देखने में भी कैसा लग रहा, देखिए इसका देखिए अभी लग रहा कि ये हो गया, इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा देखने में, देखिए तरी भी हो गया। लेकिन मटन है थोड़ा रखना पड़ेगा हमको, सीटी मरवाना पड़ेगा, या तो चिकन रहता अभी तक हो गया रहता। दोस्तों मेरा मटन बन चुका है, देखिए बनाते बनाते तो कभी 2 बज गया, बहुत ही शानदार बना है, तरी बहुत अच्छा है। अब जो धनिया पत्ता डाल के बंद कर देते हैं इसको, अभी गर्म में ही डालना चाहिए तो इसका सेंट वगैरह थोड़ा रह जाएगा अंदर में। देखिए ऐसे भी हम लोग का टाइम जो है कभी भी हम लोग खाना खाते हैं ना तो 1:30-2 बज ही जाता है खाना खाने में। तो देखिए हो गया मेरा, अब चले इसको थोड़ा साइड वगैरह करते हैं, फिर खाने का इंतजाम करते हैं यहीं पर। दोस्तों अब हमारा पूरा खाना बन गया, अब हम लोग जा रहे खाने के लिए। तो ये देखिए अब जा रहे चावल निकालते हैं पहले, और आज तो हमारा दो दो हो गया है, मटन भी और चिकन भी, तो चलिए सही है। दोस्तों देख सकते हो मटन तो निकाल लिए हैं, अब जा रहे हैं कलेजी निकालने के लिए। देखें कभी कभी हम लोग को क्या है पोहा में गुजारना पड़ता है, कभी कभी मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, यही सब लोग ड्राइवर लोग का है, कभी खाना मिल जाता है अच्छा ज़्यादा, और कहीं पोहा बिस्कुट में ही काम चलाना पड़ता है। तो ठीक दोस्तों देख सकते हो खाना निकल चुका है, ये अपना पोर्ट कलेजी हो गया, ये हो गया मटन, तो चले खाने के लिए। दोस्तों अभी शाम के 4 बज गए हैं और हम लोग खाना खाने के बाद यहीं पे लेट गए थे, कहीं गए नहीं क्योंकि कहीं जाके भी कोई फायदा नहीं था, और कहाँ जाएंगे हम, फिर आगे चल के फिर उधर पंखा होटल है वही सब क्रॉस करके फिर आगे जाएंगे, देखते हैं और कितना। आज हम लोग पंखा होटल में क्या कि हम लोग खड़े रहते हैं ना, तो वहाँ से हम लोग को पता चल जाता है गुवाहाटी और इधर सिलीगुड़ी नज़दीक हो जाता है ना, तो हम लोग किधर भी जा सकते हैं, किधर भी लोडिंग के लिए।
तो चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं, कपड़ा सूखने के लिए दिए थे, सारा कपड़ा सूख गया है, अब इसको उठाते हैं और निकलते हैं। दोस्तों शीशा को भी थोड़ा साफ कर लेते हैं, अभी आज रात में थोड़ा गाड़ी भी चलाना पड़ेगा, यहाँ से पंखा होटल अभी दूर है। और ये देखिए पापा यहाँ पे। दोस्तों ये छोटा बच्चा कुत्ता तक देखते हैं ना तो बहुत ही मन करता है। चलो गाड़ी में तो मेरा गाड़ी में आपको बिस्कुट चॉकलेट ये सब रहता ही है और कुछ फालतू चीज़ नहीं रहेगा। आप जब चाहिएगा मेरे गाड़ी में चॉकलेट मिलेगा। रात में हम भी गाड़ी चलाते हैं, खाते हैं चॉकलेट ही खाते हैं, बिस्कुट वगैरह सब मेरे गाड़ी में रहता है। तो कहीं मिल जाता है इस टाइप का देते हैं, कई फैक्ट्री प्लांट में छोटा बच्चा देख लेते हैं, जैसे कई बार कोई काम करने आता है तो बच्चा लेके आ जाता छोटा, तो देखते हैं कई लूटिंग वूटिंग गए हैं तो बच्चा लोग कोई चॉकलेट देते हैं, ये सब मेरा गाड़ी में रहता है हमेशा। देखिए अभी जैसे बिस्कुट देखे इसको दे दिए, इसको बिस्कुट खा रही है। मतलब कुत्ता बच्चा को हम भी बहुत पालते थे छोटा में, लेकिन बचपना का अलग ही एक बात होता है, अभी तो कुछ और बात हो जाता है। दोस्तों अभी शाम का 6 बज चुका है और हम लोग यहाँ से अभी सिलीगुड़ी यहाँ से बच गया मात्र 150 किलोमीटर। तो हम लोग अभी जा ही रहे हैं किसी होटल में रुकेंगे रात में, और क्या ना ये सोमवार से लोडिंग जैसे चालू हो जाता है तो कई बार रात में भी करीब 8-9 बजे भी बात होता है पार्टी लोग से कि अगर कोई लोडिंग निकलता है तो बात हो जाता है, सुबह सुबह आदमी गाड़ी लगा देता है। तो हम भी देख रहे हैं कहीं रुकेंगे या फिर ट्रांसपोर्ट से बात करेंगे और जैसा भी लोडिंग होगा फिर अपना ले लेंगे, जैसा मतलब अपना इच्छा लाइक जो पसंद आया जिसका भाड़ा अच्छा हो, फिर हम सेठ को रिपोर्ट करेंगे कि हाँ यहाँ का माल है ये भाड़ा है बात कर लीजिए, तो फिर वो बात कर लेंगे और बोलेंगे हाँ यहाँ का भाड़ा ठीक है तो फिर हम भर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों कहीं देखेंगे, कहीं रुकेंगे होटल पे, उसके बाद अपना बात करेंगे ट्रांसपोर्ट में। दोस्तों अभी हासीमारा में रुके हुए हैं, ये अलीपुर के पास में है, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि शाम में सिर्फ चाय पीते हैं और यहाँ पर काफ़ी दुकान है जहाँ आपको घर के लिए या कुछ ही जैसे कोई होता है गाड़ी लाइन का आदमी है उसका घर लग कोई चायपत्ती का बिजनेस वगैरह करता है तो यहाँ से चायपत्ती भी ले जाता है, बड़ा बड़ा अपना बोरी में मिलता है चायपत्ती और एक से एक हर कंपनी का। तो हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग चायपत्ती लेना नहीं, चायपत्ती ले चुके हैं, जाते हैं शाम का टाइम हो गया चाय पीते हैं, तो चाय पी करके देखते हैं कुछ लेने लायक होगा तो लेंगे। चाय बनाइएगा, बनाइए चाय थोड़ा पिलाइए, चायपत्ती तो बड़ा एक से एक रखे हैं जी। ये इधर पत्ता वाला चायपत्ती जो है बहुत चलता है, ये पत्ता मिक्स वाला, ये तो देखिए ये ओरिजिनल चाय, ये ओरिजिनल चायपत्ती है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ लाल चाय पीने के लिए, ये लाल चाय के साथ में है, चलिए लाल चाय भी पीते ही कभी कभी, चाय पिलाइए बड़ी, हाँ गाड़ी वो सामने है उधर, गाड़ी उधर, चाय पिलाइए, देखते हैं चायपत्ती आपका। वो कितना के जी की बोरी है चायपत्ती का? 20 किलो का ना, वो जो बिजनेस करता है वो ले जाता होगा। सब देखिए 1-1 kg का पैकेट बना हुआ है, सब अलग अलग कंपनी का, बहुत एकदम टंगा हुआ है, जो भी अपना इच्छा है अपना ले सकते हैं। जो एक बार जो आदमी यूज कर लेता है जो कंपनी का ना तो उसको अच्छा लगता है तो फिर वही वाला मांगता है। अभी कौन सा कंपनी चल रहा है? ज़्यादातर आपका इंद्रधनुष और कलश का चाय। कलश और इंद्रधनुष, मैंने इलायची का मात्रा है क्या? इलायची का मात्रा उसमें। अच्छा अच्छा, अभी कौन सा चायपत्ती बना रहे हैं आप? अच्छा ये वाला का, इसमें जड़ी बूटी नहीं है। चलिए पिलाइए इसी का। चाय तो बहुत शानदार है, यहाँ चायपत्ती का बगान में ही हम लोग खड़े हैं तो चाय तो अच्छा मिलना ही मिलना है। हाँ चायपत्ती आप जो यूज किए बहुत बढ़िया चाय है, घर के लिए लेते हैं हम भी, 1 kg कम से कम ले जाएंगे, पहले भी ले गए थे अब शायद पूरा ख़त्म नहीं हुआ होगा तो एक ले जाते, फिर तो आना जाना लगा हुआ है, फिर जब जरूरत पड़े तो फिर ले जाएंगे। यही चायपत्ती सबसे मोटा दिख रहा है, आसाम पत्ती है ये वाला, ठीक है पत्ती ना, कैसे कह जी ये वाला। दोस्तों अभी यहाँ बगल में दूसरा दुकान आए हैं तो हम देखें, यहाँ पर कुछ गुरुद्वारे का बाबा साहब लोग का फोटो भी है और ये बहुत ही अच्छा, ये तलवार सब ओरिजिनल है? हाँ ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल तलवार है ना, तो बहुत हमको वो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। वो घर के लिए आप सजावट के लिए है? हाँ, आप घर में लेके जाके मतलब सजा सकते हो? वो मेरा घर बन रहा है, जब बन जाएगा तो आप जरूर लेंगे। हमारे वो ड्राइवर भैया ने बोला कि वीडियो बनाते हैं, अच्छा तो फिर मैंने आपको बुला लिया, मैं चलो भैया को बुलाते हैं, अच्छा लगा। अब ये मेरा घर बन रहा है समझे, तो ये सब जो है ना लेके जाना है हमको भी, लगाना है गाड़ी में, ये लग रहा है। चलिए वो भी लेके जाएंगे, आइए हमारे यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह लीजिए, है ना, जरूर जरूर। हासीमारा गुरुद्वारा मार्केट में अपनी दुकान है, गुरुद्वारा तो खरिया का मशहूर है, उत्तरन टी स्टोर के नाम से है पंजाबी की दुकान है, जरूर भी जो मर्जी चाय पत्ती वगैरह लो, तलवारें ले लो। ये तो छोटा तलवार है,
देखिए बहुत ही ओरिजिनल टाइप एकदम। दोस्तों चापाती ले लिए, घर के लिए लिए हैं, 2 kg हो गया है अलग अलग कंपनी का, तो बढ़िया लगा। और पहले हम लोग आते थे ना, यहाँ हो गया, सिलीगुड़ी में हो गया, दार्जिलिंग मोड़ में हो गया, तो पहले बहुत मतलब खिलौना वगैरह भी एक से एक, मतलब हम लोग को देख के दिमाग खराब होता था क्या लेके आना, एक से एक सामान मिलता था खिलौना में। चप्पल मिलता था हल्का वाला चप्पल, फॉर्म टाइप का, तो लगता था कि पैर में चप्पल पहने हुए हैं, तो उस चप्पल वगैरह सब बंद हो गया। अभी अपना जो सामान मिल रहा है यही सब मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, सफ़र काटते हैं, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी रात का 8 बज चुका है और हम लोग आ गए जगह पे, देख सकते हैं मेरा गाड़ी भी खड़ा हो गया, बहुत सा गाड़ी खड़ा हो गया, थोड़ा ठंडा लग रहा है यहाँ पे, जैकेट वगैरह डाल दिए हैं। तो अब जा रहे हैं हम, बैठते हैं गाड़ी में और कॉल लगाते हैं ट्रांसपोर्टर को और बताएगा फिर लोडिंग के लिए, क्योंकि खड़ा गाड़ी में बात करने में मज़ा कुछ और ही आता है। तो टाइम भी हो गया, इतना टाइम में मतलब क्या क्या रिपोर्ट जो होता है वो मिल जाता है, क्या कोई भी ट्रांसपोर्टर को फ़ोन लगाइएगा तो यही चीज़ बोलता है, रात को 8 बजे फ़ोन कीजिएगा, शाम को 7 बजे कीजिएगा। तो अब जा रहे हैं, लगाते हैं, कहीं का माल निकल जाएगा तो बढ़िया बात है। दोस्तों अभी रात का 10 बज चुका है और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, देख सकते हैं मेरा खाना भी निकल गया है, वही दिन में बचा हुआ था, वही ज़्यादा सब्जी था, तो हम तो लाते भी ज़्यादा ही लाते हैं तो बच जाता है, तो रात में बना हम खा लेते हैं, ठंडा का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों ट्रांसपोर्टर से बात हो गया तो लोडिंग के लिए बात हुआ है, उड़ीसा का कहीं माल है, उड़ीसा कहीं संबलपुर आसपास का कहीं का माल है, अभी क्लियर जगह नाम नहीं बताया, लेकिन बताया हमें उड़ीसा का है, तो कल लोड करना है, तो कल जब जाएंगे लोडिंग के लिए तो मतलब बता देगा फिर जगह कौन सा क्या, वो कागज मिलने के बाद तो मालूम चली जाता है। दोस्तों यहाँ से क्या ना कि हमको ज्यादा दूर जाना नहीं है, मात्र 50 किलोमीटर जाना है सिलीगुड़ी की तरफ ही, उधर से ही लोडिंग है, तो वहां से लोड करके और फिर निकलेंगे अपना उड़ीसा के लिए। उड़ीसा भी गया हुआ काफी दिन हो गया था मेरा, तो चलते हैं उड़ीसा अब। दोस्तों खाना तो मेरा हो गया, अब जा रहे थोड़ा टहलते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा टहलते हैं हम अभी, तो जा रहे 10-15 मिनट अभी टहलेंगे, अभी कल निकलते हैं उड़ीसा के लिए, मतलब कल लोड करेंगे, अगर हल्का ही माल है, अगर दिन भर में लोड हो तो मतलब हम लोग 12 बजे तक लोड हो जाना चाहिए, जिस टाइप का ट्रांसपोर्ट हमको बोला कि 7-8 बजे गाड़ी लेकर आ जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ ज़्यादा दूर यहाँ से है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा हमारा उड़ीसा का, झारखंड का सफ़र, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।